Assalamualaikum. So hi guys, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर अल्ट्रा लेवल गेम प्ले वीडियो. तो गाइस आज मैं खेलने जा रहा हूँ एक न्यू गेम प्ले जिसका नाम है हाउस फ्लिपर. भाई इस गेम का सिंपल सा एक रूल है कि आप एक घर में जाओगे, उसको आप रेनोवेट करोगे अच्छी तरह, उसको फुल डिजाइनिंग वाइनिंग करोगे, उसको क्लीन करोगे, और यही हमारा टास्क है, यही हमारी जॉब है, यही हमारा काम है इस गेम प्ले का. इसलिए भाई गेम हाउस फ्लिपर फुल रेनोवेशन करना है हमें इस घर को. तो मेरा टाइम देता है कि जल्दी से चलते हैं अपने इस घर में प्ले करते हैं. और हम आ चुके अपने घर में, लोडिंग ऐसी ख़त्म होगी, हम चले जाएंगे अपने जॉब पे. तो लेट्स गो, हम आ चुके अपने काम पे. और इधर का हमारा टास्क है फुल घर को क्लीन करना, ऑल टू ऑल क्लीन करना है. जैसे कि टास्क है ऑफिस है टास्क आउट ट्रैश. ओके, हमें ट्रैश पूरा साफ़ करना है. तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा यहाँ से, क्या चाहिए होगा हमें, वैक्यूम क्लीनर शायद पहले हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर हमें डस्टबिन चाहिए होगी सबसे पहले. तो लेकिन एक मैं पर हैंड करता हूँ, इसको उठाते हैं पहले यहाँ से. ऐसे हम सारा पहले ये पे डस्ट उठाएंगे सारी, फिर इसको हमें सारा कुछ साफ़ भी करना पड़ेगा ये सारा सिस्टम. आज मुझे इस घर को चमका के जाना भाई, ये सारा रूल है. और न्यू टेबल, ये न्यू बेंचेस, ये सब कुछ नया ले कराना है मुझे आज. लेकिन खैर पहले अंदर इसको साफ़ करते हैं ना, फिर आगे जाके हम इसको फिर पूरा चमकाएंगे. अब ज़रा मोब निकालते हैं और इसको ना साफ़ करना शुरू करते हैं यहाँ से. जैसे कि ये वॉल है इतनी ज़्यादा डर्टी हुई हुई है कि नज़र आए इतनी ज़्यादा डर्टी वॉल है ये, और ये ग्लास कितना ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है. ओके, ये वॉल ख़राब हुई हुई है. यहाँ से हमें पूरा ये फर्नीचर साफ़ करना पड़ेगा यहाँ से. अब जो इतना डर्टी है इसको पूरा का पूरा चमकाना है मुझे. और देखो जैसे यहाँ पर भी डर्टी हुआ है सारा सारा, इसको भी साफ़ करना है मुझे. और इसके लिए मुझे चाहिए होगा स्प्रे करते शायद पहले यहाँ पे स्प्रे होता होगा. नहीं 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 रोलर नहीं, रोलर भी नहीं. फिर यहाँ पे क्या यूज़ होता है यहाँ पे, आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं है इसको मैं यूज़ करके इसको साफ़ कर पाऊँ. चूज़ हैंड टू क्लीन विंडो. ओके, हैंड से करेंगे हम क्या विंडो को साफ़. ओके अच्छा, हम नीचे हिंट दिए जा रहे हैं कि आप इसको साफ़ कर सकते हो. तो ये लो भाई, हम विंडो भी क्लीन कर रहे हैं अच्छी तरह से. ये लो भाई, सारी विंडो हमारी ऑल टू ऑल कंप्लीट हो गई. ओके, हमने विंडो भी क्लीन कर दी सारी, इसको जल्दी से क्लीन करते हैं ज़रा. ओके लेट्स गो, ये लो भाई सारी विंडो भी हमने चमका दी भाई, ए टू जेड चमका दी हमने अपनी विंडो भी सारी. ओके, अब मुझे करनी है और थोड़ी बहुत ये डोर ओपन होगा ओल्ड है भाई. चलो भाई इधर बाथरूम है सारा, लेकिन पहले ट्रैश उठाते हैं हम सारा यहाँ से. ये भी ट्रैश पड़ा हुआ है, इधर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है. लेकिन पहले हम निकालेंगे मोप और जरा थोड़ी बहुत गंदगी जो है उसको साफ करते हैं. इसीलिए भी गेम का नाम है हाउस फ्लिपर. इसका मतलब है सब कुछ सही कर देना, पूरा एकदम चमका देना घर को या जो भी जगह है. तो लेट्स गो, बाथरूम भी थोड़ा बहुत सही हो गया, लेकिन अब ज़रा मिरर को, ये मिरर साफ़ तो नहीं होने वाला. ओके शायद ये भी साफ़ होने वाला, नहीं नहीं ये साफ़ नहीं होगा, इसको इसी जगह पे लगे रहने देते हैं. और एक इधर इवेंट है, इसको भी उठाते हैं यहाँ से. ये भी एक तरह का ट्रैश है. और यहाँ पे लगेगा रेडिएटर. तो ओके, आई नीड अमाउंट ऑफ रेडिएटर इज हेयर. तो मुझे चाहिए होगा रेडिएटर. चलो इसको ज़रा खरीदते हैं. तो ये है छोटे वाला, अंदर छोटे वाला खरीदेंगे, इतना कोई कमाई नहीं हमारे पास अभी है. उस पहले इसको जोड़ना पड़ेगा मुझे, आप इसको लगाते हैं, इसको भी जोड़ना पड़ेगा. सब कुछ नट वट टाइट कर दिए. चलो अभी ये भी काम हो गया अब हमारा. अब इसको उठाना है मुझे यहाँ से, इसको मैं कहाँ पे प्लेस करूँ. इसको भी यहीं साफ़ कर रहे हैं. इसका क्या करना है, ये ऐसे तो गंदा ही बहुत है. इसको भी हम ऐसे ही, इसका ये साफ़ करना है मुझे. यह मोप है ना, इसके हम से साफ़ कर सकते हैं इसको. और मैं ये नया मंगवा सकता हूँ मैं, क्या कमोट या आई नो, मुझे नहीं पता उसको नया मंगवा सकता नहीं मंगवा सकता. और जो यहाँ पर गंदा पड़ा साफ़ करते हैं. और क्या मैं नया नहीं मंगवा सकता बाय मैनी, लेकिन आई डोंट नो. इसको मैंने न्यू मंगवाना था. स्टोर पे चलते हैं, चेक करते हैं थोड़ा बहुत सामान, क्या कौन कौन सा सामान पड़ा है यहाँ पे. देखो इधर काफ़ी अगर सामान पड़े, अच्छे काफ़ी सामान पड़े हैं यहाँ पे. जैसे बेडरूम का यहाँ पे सब कुछ डेकोरेशन का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तो हमें सब बाथरूम का सामान ये पड़ा भाई यहाँ पे. लेकिन अभी इतना कुछ खास अनलॉक नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसे जैसे खेलूँगा इसको अपग्रेड करता जाऊँगा तो मेरे पास सब कुछ आ जाएगा.
लेकिन क्या चलते हैं यहाँ से बाहर अभी। ये बटन कितना ज़्यादा गंदा हुआ है यहाँ का, और ये जो कर्टन है कितने ज़्यादा गंदे हैं, बहुत ज़्यादा डर्टी हैं। तो ये हमारा टास्क है, हमें इस पूरे घर को चमका देना पूरा का पूरा, और इस बाथरूम को साथ ही साथ। तो चलो ये निकालते हैं मॉप, इसको भी ज़रा साफ़ करते हैं जल्दी से। तो मैं आधा काम मुकम्मल कर चुका हूँ, अब आधा काम बस मेरा रह गया, और यहाँ पे भी कुछ लगाना है मुझे लाकर। ओके हैंड चेंज करो यहाँ पे, चलो ज़रा इसको मैं यहीं पे लगाने देता हूँ, ज़रा मंगवाते हैं न्यू, इसको ख़रीदते हैं। अब इसको भी लगाते हैं यहाँ पे, फिट करते हैं, नट वुट लगाते हैं इसके भी। ओके ये भी लग गया। अब मुझे करना है विंडो कर्टन्स, ये न्यू मंगवाते हैं ज़रा, लेकिन बस तो अनलॉक ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पास अनलॉक नहीं है कर्टन्स। इसको साफ़ करते हैं, ज़रा ट्रैश पड़ा है यहाँ पे, तुम ज़रा यहाँ पे आके लगो पहले, यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम कुछ साफ़ करने वाला रहता है यहाँ पे, इसको उठाते हैं। अब और क्या साफ़ करने वाला रहता है इसका, टैप टू मूव दिस आइटम, यहाँ पे भी कुछ लगाने वाला रह गया, इधर भी लगाते हैं। ये पैसे बहुत हैं, बस जब हम इसको सही कर लेंगे ना। लेकिन एक मिनट मुझे इस जगह को हटाना पड़ेगा, कहाँ पे लगाऊँ, इसमें लगा नहीं पाऊँगा, शीट मैंने गलती कर ली इसको मंगवा कर। अब क्या करूँ, बाय मैनी रिवील, क्या किया जे ओला भाई। चलो इसको पहले हटाते हैं, साफ़ करते हैं इस कचरे को, साइड डब्बे को। चलो अब लगाते हैं, मैंने पैसे ज़्यादा कर दिए मैंने अपने, लेकिन खैर अब लग जाएगा। और ये लो भाई, इसको भी लगा दिया मैंने यहाँ पर, सब नेटवर्क टाइट करते हैं इसके, और ये एक और काम कर दिया। अब थोड़ा बहुत काम रह गया, फिर इसको साफ़ करना है, जाला हटाना पड़ेगा शायद मुझे यहाँ से। अब मोब निकालते हैं, ये जाला साफ़ करते हैं यहाँ से। ओके जाला साफ़ हो गया, अब इसको साफ़ करना है। तो फाइनली ये भी साफ़ कर दिया, और ये भी रहता है यहाँ पर, छोटा मोटा काम है, बस देखने की देर है कहाँ पर कौन क्या चीज़ गंदी है। ओके ये वाला भी क्लीन कर दूँगा मैं, और 9% कम्प्लीट है, बस ये तो नहीं गंदा है भाई, इस चीज़ को तो नहीं साफ़ करना। लेकिन नहीं, यहाँ पर मुझे एक चीज़ चाहिए, यहाँ पे प्लास्टिक द वॉल। ओके यहाँ पे वॉल, मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ लगा सकता हूँ, जैसे कि ये भी चीज़ पड़ी है, क्या नज़र पड़ी है मेरी इसके ऊपर। ओके मैंने अपना टास्क कम्प्लीट कर दिया। ओके टेक द ट्रैश, तो अब क्या काम रहेगा मेरे इस जगह पर, मूव बटन हो, कितना गंदा हुआ है यहाँ का, बहुत बुरी हालत है इस घर की, सीरियसली में बहुत गंदा हुआ है ये घर हमारा। खैर इसको यहाँ पे रखते हैं, ज़रा टेबल टूबल हम न्यू तो नहीं खरीद सकते शायद आई गया सभी, लेकिन नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम वो भी ले आएंगे। ज़रा फुल मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर डेकोरेट करके ना लगाते हैं, रोटेट करते हैं ज़रा इसको यहाँ पर, ये यहाँ पर लगाते हैं, इसको उठाते हैं ज़रा यहाँ से, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ लेकिन क्या नहीं यार, नहीं कर रहा मैं सही, लेकिन जो भी कर रहा हूँ फिर अपने हिसाब से कर पा रहा हूँ मैं, कुछ समझ तो आए मैं कर क्या रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे चलते हैं, दीवारें दूरें चेक कर लें, साफ़ होगा। टैप टू मूव, मोप निकालते हैं, इसको भी साफ़ करना है मुझे यहाँ से, जो ब्लैक ब्लैक सारा छाया हुआ है इसके ऊपर। ओके ये भी क्लीन कर दिया, अब बाथरूम में बस गंदा रहेगा, और देखो ये चीज़ भी पड़ी है, इसको भी क्लीन करना है। ओके अब बस ये अपना ऑफिस है, रूम कहाँ पे हमारा, इधर रूम लिखा हुआ है, क्लीन विंडो। ओके विंडो भी कोई, ये एक विंडो, मुझे विंडो नज़र आ गई, विंडो क्लीन का ऑप्शन लगा दे कि वो विंडो क्लीन करो अपनी। तो चलो भाई विंडो भी क्लीन कर देते हैं, इतना कोई बड़ा काम करी विंडो क्लीन करना। चलो भाई टेक आउट ट्रैश, अब मुझे ट्रैश उठाना है, कहीं ये डस्टबिन तो नहीं, लेकिन ये ट्रैश तो नहीं ना भाई, जरा रोटेट करते हैं इसको, सीधा करके लगाते हैं। ओके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे कोई काम है, ओपन द डोर, इसको यहाँ से लेके चलो किचन में, इसको रखते हैं किचन में एक कोने में लगा कर, हाँ यहाँ पे सही है ना। और तुम यहाँ से उठ के चलो ज़रा बाहर, थोड़ा बहुत अपने डिज़ाइनिंग कर दे थोड़ी बहुत, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। जो दो दो बाल्टी हमने यहाँ पे भी रख दी, अब क्या करना है, टेक आउट ट्रैश, लेकिन ट्रैश है कहाँ पे मेरे अब्बे, ट्रैश तो नज़र ही नहीं आ रहा मुझे, लेकिन देखो ये ट्रैश पड़ा, छोटा छोटा ट्रैश। अब वो वॉल को मुझे सही करना है, लेकिन वॉल सही करने के लिए मुझे चाहिए होगा पेंट, तो चलो पेंट ऑर्डर करते हैं। पेंट आ गया, इसको रखते हैं यहाँ पे, ये भरते हैं इसको, जरा भर लेते हैं, इसको भरा जा रहा है यहाँ पे। अब मुझे इस वॉल को सही करना है,
ओके ये लगाया और ये वॉल हो गई कम्प्लीट, 100% रेडी हो चुका है, सब कुछ हमने कर डाला। लेकिन जो कुछ रहता है करने वाला अभी क्या? नहीं 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 ओके ये काम भी हो गया। ये लो भी ये आप लोग रख लो, इसको कोने में रख रहा हूँ मैं। लेकिन अब क्या काम रह गया मेरा? अब आई गैस मेरा काम तो मुकम्मल हो चुका है ना। इसको थोड़ा उठाऊँगा यहाँ से मैं। अब क्या? नहीं 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 इसको तो यहीं पर लगाना है देना, इसका कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या रह गया? मैं तो ऑल टू ऑल सब कुछ कंप्लीट कर दिया। यहाँ न्यू डोर लगाएं क्या? यहाँ पे न्यू डोर लेकर आते हैं ज़रा। डोर्स में हम परचेज करेंगे, ये 100 परचेज करते हैं ज़रा। ये ज़रा अमेजिंग लग रहा है। ओके कंटिन्यू, काफ़ी अच्छा मैंने घर बना दिया। अब क्या मैं न्यू बेड नहीं क्या ला सकता? बेड ओके तो सोने का है। ओके भाई सो भी गए हम क्या इस बेड पे? अब क्या सुबह हो गई है? ये क्या सारा सिस्टम हो रहा है भाई? लगता मैं सो के उठने वाला हूँ। अब मुझे समझ आई ये क्या सीन हो गया। मैंने पूरा घर में चमका दिया, जो ये वाला घर था जिसको मैंने रिपेयर करना था, मैंने सारा कुछ काम कर दिया। अब मुझे कनेक्ट टैबलेट जाना है और जो मेल बॉक्स आई है देखो, इन सब ने मुझे किए हुए हैं कि भाई मेरा खड़ा के रेनोवेट करो। मेल बॉक्स में हम आए हुए हैं, जैसे अब इनका है, डियर सर आई हैड अ मेकर्ड आई सोल्ड योर ट्रेवलेशन एंड इज नीडेड अपग्रेड। देखो अभी ये मुझे बुला रही हैं कि मेरा घर आगे सही कर दो। तो अब जाएंगे जल्दी से इनके घर पर और जरा इनका घर भी हम सही करेंगे। ओपन एक्सेप्ट, चलो भाई अब हम जा रहे हैं इनके घर पर और इनका घर सारा कुछ सही करेंगे। अब सर इनके घर को चमकाने वाला टाइम आ गया हमारा और ये तो घर रेनोवेट करके भाई मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। तो चलो भाई आज के इनके घर पे और अब लिविंग रूम टेक आउट ट्रैश। ओके भाई ट्रैश हमें उठाने हैं सारा, इनका जितना ट्रैश है सारा रिमूव करना है पहले। तो मुझे एक पिज़्ज़ा पड़ा है यहाँ पे, पिज़्ज़ा रिमूव करेंगे। ये जो ट्रैश पड़ा है सारा को ट्रैश रिमूव करके अब हो जाए। क्या ट्रैश पड़ा है? ट्रैश ट्रैश ट्रैश। ओके ये ट्रैश पड़ा है इसको रिमूव करते हैं। ये ट्रैश पड़ा है लेकिन इनका हाउस काफ़ी ज़्यादा प्यारा है भाई, काफ़ी अच्छा लिविंग रूम है। ओके क्लीन विंडोज़, तो विंडोज़ क्लीन करते हैं जल्दी से इनकी। और ये लो भाई सारी विंडोज़ हमने क्लीन कर दी इनकी। ये लो भाई चमका रहा हूँ एक धराधर, विंडोज़ चमकती जा रही है, चमकती जा रही है। ओके ओके अब मुझे दूसरी विंडो क्लीन करनी है, तो ऑलरेडी क्लीन ही है। कौन सी विंडो रहती है क्लीन करने वाली? एक ये रहती है और इधर कोई विंडो ही नहीं है। चलो इसको क्लीन करते हैं जल्दी से अब। ओह नहीं 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 इसको नहीं क्लीन करना, इधर चलो विंडो क्लीन करनी है। ओके विंडो क्लीन करने के बाद मुझे और टास्क दिया जाएगा, मुझे टास्क कंप्लीट करना है फिर मैं विन कर दूंगा। ओके टेक आउट ट्रैश, अब कौन सा ट्रैश जाएगा यहाँ पे? ये कार्पेट बहुत गंदा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन ट्रैश इधर कुछ पड़ा होगा। ओके ओ इधर तो ट्रैश पड़ा होगा भाई साहब, मोब भी चाहिए होगा इससे इस्तेमाल, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ओके इसको उठाते हैं जल्दी से अब, सारा ट्रैश है, एक ए टू जेड सारा ट्रैश है। तो फाइनली मैं सब कुछ क्लीन कर चुका हूँ, जो भी ट्रैश वगैरह सब कुछ क्लीन हो चुका है। अब मुझे नया टास्क दिया गया है जिसमें लिखा है भाई सेट हाइलाइटेड आइटम। इनका मतलब है कि भाई जो चीज़ें यहाँ पे घिरी पड़ी हैं ना उनको उनकी जगह पर सही तरह खड़ा करो, जैसा कि अब इसको रोटेट करना पड़ेगा और रोटेट इसको इधर खड़ा करूँगा, लेकिन इसके साथ लगा देते हैं। और जैसे कि अभी टी वी पड़ा हुआ एक बड़ी LCD है, इसको उठाते हैं, इसको रोटेट करेंगे और इसको यहाँ पे आई गेस थोड़ा बहुत लेफ्ट रोटेट और इधर खड़ा करेंगे। इस फ्लावर को उठाते हैं ज़रा यहाँ से और थोड़ा यहाँ पे खड़ा करते हैं। ओके अब ज़रा टेबल है इसको उठाएंगे पहले हम, ज़रा यहाँ से थोड़ा सीधा करेंगे, यहाँ खड़ा करेंगे इसको, इसके बिल्कुल सामने आई गेस इस तरह ही खड़ा करना पड़ेगा इसको, थोड़ा रोटेट लेफ्ट रोटेट करते हैं। ओके ये भी हो गया, फ्लावर उठाते हैं जल्दी से यहाँ से इसको, तो आई गेस मुझे इसके साथ खड़ा करना पड़ेगा, इसके आगे पीछे कहीं पे। ओके लग गया चलो भी ये भी लग गया, लेकिन जो है ना अच्छी वाइप नहीं आ पा रही, लेकिन नहीं हो सकता इसको यहाँ भी खड़ा करते हैं। सोफ़ा सीधा करते हैं छोटे वाला, थोड़ा रोटेट लेकिन नहीं, ये इस साइड पर शायद लगेगा आई गेस, रोटेट करते हैं और थोड़ा आगे यहाँ पे बेस्ट हो गया। चलो मोम निकाल दे सब और ज़रा मोम से सॉरी साफ सफाई कर लेते हैं। ओके और इन विंडोज़ को इसमें सीधा करना है, ये विंडो टेढ़ी लगी है, जो होल्स वाली विंडो है जैसे कि ये वाली है सीधी करेंगे, इसको भी सीधा करना पड़ेगा। ओके ये लग गई। ओके अभी काफ़ी बेहतरीन काम हो गया, अब मुझे डर्ट क्लीन करना है। तो क्या चीज़ गंदी हुई है भाई, विंडोज़ एकदम चमचमाती हुई हैं,
ओके भाई, ये भी कंप्लीट हो गया अपना काम टास्क। अब मुझे वॉल्स को साफ करना है, तो ये मेरा टारगेट है। रखते हैं यहाँ पे और ज़रा वॉल के ऊपर प्लास्टर करते हैं। ओके भाई, ये किया और सारा हो गया। अब दोबारा लगाते हैं ज़रा बकेट से लेकर इस प्लेट के ऊपर, और एक मैंने यहाँ पे देखा था इसके ऊपर लगाते हैं। और शायद अभी नेक्स्ट रूम में कोड है। ओके, इधर भी साफ करना है मुझे, इतने के अंदर एकदम चमचमाता है। लेकिन कुछ ना कुछ में भी होगी, कुछ ना कुछ मुझे इसका सही करना। जैसे देखो गुजरने का रास्ता ही नहीं है। पहले दरवाज़ा बंद किया जाए, फिर खोला जाए, फिर बाहर आया जाए। वाह भाई वाह, गुजरने का रास्ता ही नहीं। मैं इसको कमोड को उठा के ना वो कोने में लिखवाऊँगा ना, फिर इनको लगेगा पता किस तरह रास्ता ब्लॉक किया जाता है। तो ओके, थ्री टाइम हो गया, बस टू टाइम रह गया। लेकिन अब और कौन सी जगह है, ये जगह देखी थी मैंने, इधर भी हो जाएगा अब। और बस अब एक जगह रह गई है, और वो कौन सी है, कहीं पीछे तो नहीं घुसी हुई। होता होता है इस गेम में ना कुछ छुपा के, एक वो है। चलो भाई, एक और जगह नज़र आ गई, अब बस यहाँ पे करना है, बाकी सारा काम खुद ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आइए, भी लगा दिया। और ये इनका बेड है, और अब मुझे इसके ऊपर पेंट करना है। ओके, पेंट करना, पेंट खरीदते हैं। आई गेस यही पेंट होगा, पता नहीं मुझे क्या चीज़ है मैंने ख़रीद ली है। लेकिन द कस्टमर वुड बी हैप्पी। यार नुकसान करा लिया मैंने अपना, ये नहीं चाहिए था। अब वो कह रहे हैं पेंट हाईलाइटर सिग्नेचर यूज एलिमिनेशन पेंट एक्स लुक्स ब्लू, ब्लू कलर का पेंट चाहिए होगा जैसे कि ये वाला। 5 पॉइंट देते हैं इसको, हम लोग करते हैं। यार नुकसान तो हुआ, लेकिन अर्निंग भी अच्छी खासी हम करेंगे इससे। अब कर सकता हूँ मैं ब्लू पेंट। ओके, तो सारे ब्लू करना था क्या मुझे? ओके, कह रहे हैं सारी, अब दीवार ब्लू कर दो, सारी दीवारें आपने ब्लू करनी है। ये तो बड़ा लंबा काम पड़ गया मुझे। वर्कर भाई 2-3 बुला दो मुझे, काम करवा लूँगा उनसे मैं। ये तो बहुत ही बड़ा लंबा काम है मेरे लिए, लेकिन खैर हमारी जॉब है, हमने इसको कंप्लीट करना है पूरे तरीके से। हम निभाएंगे अपनी जॉब को, लेकिन तो बहुत लंबा ही काम है भाई। इसको तो मैं आधे घंटे तक कंप्लीट कर ही लूँगा पूरा। एक चार दीवारी घर को मुझे पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन खैर ऐसे ऐसा हम पूरा कंप्लीट कर ही दूँगा। तो गाइस, मैंने आखिरकार अपना घर पूरा रेनोवेट कर दिया था, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाएंगे। जैसे मैंने वॉल कंप्लीट की, जैसे मैंने वॉल कंप्लीट कर दी, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं भी अपना काम करके वो सारे चला गया। आई एम सो सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाया वो पूरा का पूरा घर जो मैंने पूरा रेनोवेट किया था। लेकिन सिर्फ मैं उसके सिर्फ मैंने पेंट किया था, और वो पूरा घर चमचमाता बन गया था। तो भाई आई होप आपको आज का मेरा गेम वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जाकर मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो इस टाइम और मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। और भाई मेरे 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो, आपको बहुत अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिला करेंगी। जैसा कि आप, मैं GTA 5 स्टार्ट करूँगा और बहुत अमेजिंग गेम प्ले आया करेंगे आप लोगों के लिए। तो भाई लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियोज़ को भी ऑल टू ऑल मेरी वीडियोज़ को देखा करो, वॉच किया करो फुल, और लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो। तो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।